बालिक बालिका के साथ दरिंदगी का अंदेशा हुआ है। तबियत बिगड़ने पर बालिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया और प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। परिजनों के साथ शादी समारोह में आई थी ये मासूम और परिजनों ने महिला थाने में अब ये प्रकरण दर्ज करवाया है। एसपी वंदिता राणा ने कहा मामले की अब जांच कर रहे हैं, साथ ही आरोपी को आइडेंटिफाई करने का प्रयास भी किया जा रहा है। एक दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ की जा रही है और उनकी डिटेल ली जा रही है। दौसा कोतवाली थाने के बाहर पुलिस जाप्ता तैनात कर दिया गया है। तो आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं दौसा से, जहां पर एक मासूम के साथ में दरिंदगी का अंदेशा लगा है। तबियत बिगड़ने के बाद बालिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया और प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। परिजनों के साथ इस तरह का अंदेशा, इस तरह का शक है कि शायद उस बालिका के साथ में दुष्कर्म या छेड़छाड़ की गई है और पुलिस अब पूछताछ में जुट गई है। एक दर्जन से ज्यादा लोगों को डिटेन कर लिया गया है। ये मासूम अपने परिवारजनों के साथ में शादी में घूमने आई थी, लेकिन परिवारजनों को ये शक है कि उसके साथ या तो दुष्कर्म किया गया है या कोई ऐसी वारदात की गई है जिसकी वजह से उसकी तबियत बिगड़ी है। उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन तबियत बिगड़ने के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी वंदिता राणा ने कहा कि मामले की जांच कर रहे हैं, साथ ही आरोपी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश भी की जा रही है। एक दर्जन से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है और महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। पूरे प्रकरण को महिला थाना में दर्ज करवा दिया गया है। तो आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं दौसा से, जहां पर शादी में अपने परिवारजनों के साथ घूमने आई बालिका के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई है परिवार वालों ने। इस मासूम की तबियत बिगड़ने पर इसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से इसे जयपुर रेफर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं पूरी स्थिति बहुत गंभीर मानी जा रही है परिवारजनों के द्वारा। महिला थाना में भी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। एसपी वंदिता राणा इसकी जांच में जुट गई है और ये जानकारी दी है कि एक दर्जन से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और कौन है वो आरोपी उसे आइडेंटिफाई करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दौसा कोतवाली थाने के बाहर पुलिस जाप्ता भी तैनात कर दिया गया है। तो आपको एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक मासूम के साथ एक बार फिर से दुष्कर्म का अंदेशा है परिवार वालों को और अब इसकी गहनता से जांच की जा रही है। नाबालिग के साथ दरिंदगी का अंदेशा है, दुष्कर्म का अंदेशा है और इस आशंका के चलते एक दर्जन से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है। दोषी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है और इस नाबालिग को हायर केयर के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विष्णु आशीर्वाद फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। विष्णु, क्या है पूरा मामला? मैं बताना चाहता हूँ, दो साल का मामला है जहाँ पर बीती रात एक शादी समारोह था, जिस होटल में शादी समारोह था, उस दौरान ये बच्ची भी आई थी और उनके परिवारजन भी यहाँ थे शादी के अंदर। इसी दौरान होटल में बच्ची जब सो रही थी उसके साथ अज्ञात व्यक्ति था जिसने जाके दुष्कर्म किया है और उसके बाद में उसके जब परिजनों को सुबह बच्ची को जब घर लेके गए तो जब बच्ची की हालत नाजुक दिखी और जो उसके कपड़े थे जो ब्लड में दिख, तो जो बच्चे ने उन्होंने मालूम किया, जब वो बच्ची की हालत खराब होने पर उन्हें दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर गंभीर अवस्था के चलते रात को ही बच्ची को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। इसके दौरान जब पुलिस को इसकी सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची है, स्टाफ जुटा रही है और अभी भी पूरे होटल को सील किया गया है और बारीकी से जांच की जा रही है कौन कौन लोग आए थे इस दरमियान शादी समारोह में, जितने भी जो काम करने वाले थे, देखने वाले थे, फोटोग्राफर थे। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आपको इस बीच एक बड़ा अपडेट दे देते हैं इसी मामले से जुड़ा, जहाँ पर चिकित्सकों के मुताबिक फिलहाल इस बच्ची की तबीयत स्थिर है। बच्ची के साथ दुष्कर्म का ये मामला है और जेके लॉन अस्पताल में ये पीड़ित बच्ची लाई गई है, सर्जिकल आईसीयू में इसे भर्ती करा दिया गया है। तो आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं, कुछ ही देर में इस पीड़ित बच्ची का ऑपरेशन शुरू होगा। फिलहाल बच्ची की तबीयत स्थिर है। दौसा केस में बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है और तबीयत बिगड़ने के बाद जयपुर के जेके लॉन अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया है। कुछ ही देर में इस बच्ची का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन चिकित्सकों के मुताबिक फिलहाल बच्ची की तबीयत स्थिर है। तो आपको बता दें, मासूम अपने परिवार वालों के साथ शादी में घूमने आई थी और दुष्कर्म का अंदेशा लगा, तब परिवारजनों ने पुलिस थाने में ये मामला दर्ज कराया, लेकिन फिलहाल जयपुर में ये बच्ची भर्ती। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सतवीर फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में।
सतवीर बच्ची को जयपुर लाया गया और सर्जिकल आईसीयू में भर्ती करा दी गई है, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो बच्ची के साथ में जो दुष्कर्म का जो मामला दोसा के अंदर सामने आया था, उसके बाद में बच्ची की हालत को देखते हुए उसे जयपुर के जो जेकेलोन अस्पताल है वहाँ पर यहाँ भर्ती कराया गया है और यहाँ पर जो डॉक्टरों की टीम है वो उसका जो इलाज है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही उन्हें जो सर्जिकल आईसीयू के अंदर रखा गया है। फिलहाल डॉक्टरों से जिस तरीके से जो बात हुई है, बच्ची की जो तबीयत है वो स्थिर बताई जा रही है। अब पूरी जो जाते हैं वो यहाँ पर होगी और उसके बाद उनका जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जो जेकेलोन अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी बच्ची की देख रेख में लगे हुए हैं। जी सतवीर, क्या दुष्कर्म की पुष्टि कर दी है डॉक्टर्स ने, क्या कुछ अपडेट इस बारे में, क्योंकि सर्जिकल आईसीयू में इसे भर्ती कराया गया और उसका ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, क्या अपडेट इस मामले में? जी देखिए, अभी बच्ची को यहाँ पर लाया गया है और उसके बाद में ही डॉक्टर कुछ कह पाएंगे। अभी तक डॉक्टरों से कोई जो बात है वो यहाँ पर पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जिस हिसाब से जो बच्ची की जो हालत है उसके बाद में उन्हें सर्जिकल जो आईसीयू है उसके अंदर रखा गया है और उसके बाद में ही अभी डॉक्टर कुछ और इसकी जो जानकारी है वो दे पाएंगे। जी सतवीर, हालांकि बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मामला है, बच्ची के परिवार वाले भी साथ में होंगे, क्या आपकी किसी परिवारजन से बातचीत हुई, कैसे उन्हें शक हुआ और अभी उनकी क्या स्थिति है? जी देखिए, घटना के बाद में जिस तरीके से जो परिवर्जन है वो भी अभी बात करने से अभी बात नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल अभी जब इसका इलाज जो जेकेलोन अस्पताल में यहाँ पर चल रहा है तो उसके बाद में जो डॉक्टर है वही यहाँ पर कुछ जो बात है वो यहाँ पर कह पाएंगे। फिलहाल जिस तरीके से जो डॉक्टर है उन्होंने साफ कहा है कि उसकी जो तबीयत है वो स्थिर रखी हुई है और इसके साथ ही जो कुछ जो मेडिकल जो टेस्ट है वो भी यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सतवीर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं, दौसा में बच्ची से दुष्कर्म का मामले की अंदेशा लगाया जा रहा है और बच्ची को पहले दौसा जिला अस्पताल ले जाया गया जहां पर इसे हायर केयर के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल सर्जिकल आईसीयू में बच्ची भर्ती है, कुछ ही देर में बच्ची का ऑपरेशन शुरू होगा। चिकित्सकों के मुताबिक बच्ची की हालत स्थिर बनी हुई है, लेकिन पूरी घटना के बाद में परिवारजन अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। तो आपको बता रहे, एक बार फिर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। मासूम जो शादी में अपने परिवारजनों के साथ घूमने आई थी, उसके साथ दुष्कर्म, शायद दुष्कर्म का अंदेशा है परिवारजनों को।